घर के लोग मेरे खिलाफ है। ये पेशेंट के बारे में बातचीत करने वाला हूं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूं। महाराष्ट्र में पिछले 37 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूं। एक पेशेंट मेरे पास में आया, करीब करीब 30 साल का लड़का, और उसके दिमाग में यह है कि मेरा भाई जो है वो मेरे खिलाफ है, मेरे घर के जो लोग हैं वो मेरे खिलाफ है, और उसके वजह से मुझे फिर नींद नहीं आती है। मुझे लगता है कि वो मुझे कुछ तो भी कर देंगे, और कुछ कर दिया, मुझे कुछ जख्म हो गई, मारपीट हो गई, कुछ हो गया, तो मैं कैसा करूं, क्या करूं, ऐसी चिंता भी उसको लगी है। मैंने उसको बोला, क्या हो गया भैया, ऐसा हुआ क्या? तो एक्चुअली हुआ कुछ नहीं, कोई झंझट हो गई उसके भाई के साथ में 2-3 साल पहले। और झंझट में कुछ तो तू तू मैं हो गई, छोटी बात थी कुछ पैसे की, और उसने भाई ने उसको मारा। मारने के बाद में ठीक हो गया वो सब, बाद में सब ठीक ठाक भी हो गया, मगर अभी उसको एक डर बैठा हुआ है कि भाई नहीं, अपने को भाई कुछ ना कुछ कर देगा। और विचार इतने आ रहे हैं कि बार 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 वही विचार आते रहते हैं, और वो विचार आने से फिर उसको सूझता नहीं है, फिर काम होता नहीं है, नींद नहीं आती है। मैंने बोला, भाई सच्ची ऐसा हुआ है क्या कि मैं भाई मारेंगे आपको? ये तो 3 साल पहले की बात हो गई। नहीं भाई, मारेगा नहीं बोले, मगर मैं डर लगता है। बोला ठीक है, आपको विचार आ रहे हैं, मैं आपको दवाई देता हूँ। बोले आपने दवाई दिया और मुझे नींद ज़्यादा आ गई, तो मैं उसका सामना नहीं कर सकूंगा यदि भाई मेरे आंग पे आ गया। तो अभी तो भी मैं सामना कर सकता हूँ। मतलब आप ऐसा करो, आपको पैरानोया नाम की बीमारी हो चुकी है, और आप घर के लोगों को किसको भी लेके आ जाओ, उनके साथ मैं बातचीत करूंगा, और बातचीत करके फिर अपन तय करेंगे इलाज इसका कैसे करना। नहीं, घर के लोग तो मेरे खिलाफ है। मैंने बोला हाँ, मुझे मंजूर है, खिलाफ है। देखो मैं बोला कि भाई माँ आपके खिलाफ है? नहीं, बोले माँ न्यूट्रल है। बोला फिर माँ को लेके आ जाओ। मतलब माँ जो है ना, वो कुमाता कभी नहीं होती, पुत्र कुपुत्र हो सकता है। तो आप देखो मेरी सुनो, माँ आपके खिलाफ कुछ नहीं करेगी, ये तो आपको पक्का विश्वास है? बोले हाँ, माँ नहीं कुछ करेगी, वो तो बिल्कुल एकदम अच्छी है। बोले मतलब फिर आप तो माँ के ऊपर भी शक कर रहे थे? बोले मुझे लगता है कुछ कभी कर देगी, वो भाई को जरा जरा पार्शियलिटी कर देती है और उसके तरफ से ज़्यादा बोलती है। बोला हाँ, मगर आपको वो कुछ नहीं करेगी, आप उनको लेके आ जाओ। बोले मैं लेके आता हूँ। फिर वो माँ को लेके आए कुछ दिन के बाद में। मैंने पूछा तो फिर माँ ने बताया, ये जरा ज़्यादा ही कर रहा है, बहुत शक आ रहा है, और शक आके फिर सभी के ऊपर शक करता है, लोग अपने खिलाफ है, फिर छोटी छोटी बात के ऊपर लोगों से झंझट करेगा, झगड़ा करेगा, और फिर किसी चीज़ के हाथ में पट्टी नहीं है, फिर अकेला रहता है, वहीं खाना पीना करेगा। फिर अभी इधर उम्र बढ़ते जा रही है, मतलब अभी शादी नहीं किया, तो बोले अभी शादी कैसे करेंगे, लोग तो मेरे को देखते नहीं है, लोग तो मेरे घर के जो लोग हैं मेरी लड़की देखते नहीं है, वो तो खिलाफ ही है। मतलब अभी आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? अभी आजकल तो लोगों को गर्लफ्रेंड का इतना कॉमन हो गया, आप गर्लफ्रेंड क्यों नहीं करते? देखो एक आधा डेटिंग करो। नहीं, बोले मैं ऐसा थोड़ी कर सकता हूँ, शोभा देता क्या, घर के लोगों ने देखना चाहिए मेरे लिए। मतलब इस तरह का उसका काफ़ी ब्लेम था, शक था। मतलब ठीक है, हम आपको दवा देंगे, दवा तो मैं लूँगा ही नहीं। तो उसको फिर काउंसलिंग किया, 2-3 सीटिंग्स किया, उसको पटाया, धीरे धीरे वो दवा लेने को तैयार हुआ। अब दवा लेना चालू है और काफ़ी फर्क उसका शक के ऊपर पड़ा है। क्या है कि ये स्किजोफ्रेनिया जो है, स्पेशली ये शक की बीमारी है ना, वो थॉट डिसऑर्डर है, थॉट्स आते रहते हैं, और अपना दिमाग में क्या होगा पता नहीं, किस तरह का चलेगा पता नहीं, मगर वो थॉट आते रहते हैं। और वो एंटीसाइकोटिक हम देते हैं तो एंटीसाइकोटिक से फायदा होता है जरूर, बहुत ज़्यादा हो गया तो हम उनको ECT देते हैं, इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी। तो इससे वो व्यक्ति अपना जीवन अच्छा जी सकता है। इतना ही है कि लोगों ने वो बाहर का है, बाहर का है, ऐसा करके लोग फिर हमारे तरफ आते नहीं। खेड़े पाड़े में तो, देहातों में तो ऐसे ही होता है कि नहीं, कुछ तो भी बाहर का लगाया हुआ है, भूत पलीत है, वो हमारे यहाँ ट्रीटमेंट को आते नहीं, प्रॉब्लम करते हैं। ये वीडियो लोगों को एजुकेशन के लिए, ज़्यादा लोगों को शेयर करो, ताकि लोग इसका इलाज करेंगे, अपने पेशेंट का इलाज करेंगे, और सभी लोग अच्छा जीवन जी सकेंगे। थैंक यू वेरी मच। मानसिक रोगी तथा शराबी के व्यसनी, इनको बिना रिश्तेदार अकेले हम हमारे हॉस्पिटल में पेशेंट को भर्ती करते हैं और उनका इलाज करते हैं।